ये दिव्यू ने हालत की है बैट की। ओ माय गॉड, ये लड़का इतना बदतमीज है। देखो रनर वगैरह सब डाला हुआ है। हाँ मुझे जाना है आज बंजार मार्केट गुड़गांव कारपेट लेने के लिए, तो इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ। एंड रात में सही से नहीं सो पाई क्योंकि दिव्य ने बहुत ज़्यादा परेशान किया रात। बहुत ज़्यादा आँखों की स्वेलिंग स्वेलिंग लग रही है। एंड मैं हो गई रेडी और दिव्य को मैंने रेडी कर दिया था, लेकिन उसने बताया जीन्स निकाल दी, इससे तो दोबारा पहनाऊंगी। हम लोग को जाना है गुड़गांव कारपेट लेने के लिए, तो देखती हूँ वहाँ पे कोई अच्छी मिलती है तो फिर मैं कारपेट लेकर आती हूँ। एंड अभी मैं कॉफ़ी पीऊँगी, कॉफ़ी मेरी ऑलरेडी दीदी ने बना के दी है, मुझे बहुत पसंद है कॉफ़ी। ये जूतियाँ ना मैं सोची ये आज पहन के चली जाती हूँ, जो मेरी नंद है ना उन्होंने गिफ्ट की है, बट ये बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा। अच्छी लग रही पहनने के बाद, इस पर इतनी बुरी नहीं लग रही, इससे पहन के जा सकती हूँ मैं। वाह बहुत सुंदर लग रहे हो, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ लगाओ ना, आपने हटा क्यों दिए, लगाओ। हाँ ऐसे ही लाओ, मुंह मल रहे दिखाओ। बेटू पीछे गुड, इसने मेरे जेल से भी दिए थे। लगी है सिर्फ, बस अब मत निकालो। वाओ कितना सुंदर लग रहा है दिव्यू। एंड बस हम लोग कुछ टाइम में पहुंचने वाले हैं, एंड मैं आपको ना एक टेम्पल दिखाने वाली हूँ। एक्चुअली ये एक आश्रम है, आश्रम के अंदर ही शायद ये टेम्पल है या आश्रम के बाहर है, बट ये देखो आश्रम का नाम अभी निकला है और ये बहुत ही सुंदर है। लास्ट टाइम मैं और पंकज किसी काम से गुड़गांव गए थे, तब भी मैंने देखा था लेकिन शूट नहीं कर पाए थे। एंड देखो कितना सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैं सोच रही हूँ किस दिन जाकर ना इसकी एक बार विज़िट करूँ, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा लग रहा है देखने में। एंड मतलब मैं इतने साल फरीदाबाद में रही हूँ लेकिन आज तक मैंने कभी देखा नहीं था ये, बट पहली बार देख सेकंड टाइम देखा मैंने ये। एंड अब हम लोग पहुँच गए हैं बंजारा मार्केट। एक्चुअली बंजारा जो 58 से थी ना वो ऑलमोस्ट वहाँ से शायद ख़त्म ही हो गई है, एंड अब इन्होंने शिफ्ट कर दिया है जो घाटा, एक्चुअल जो घाटा गांव है ना उसी के अंदर। ये देखो मैं आपको ना एरो भी दिखा रही हूँ, हर जगह एरो लगे हुए हैं। हम आगे निकल गए थे, सडनली मैंने देखा अरे एरो लगा हुआ है पीछे बंजारा मार्केट का, तो मैंने सन जैसे बोला कि नहीं नहीं पीछे की साइड है, तो फिर हम थोड़ा सा यू टर्न लेकर गए हैं। एंड ये देखो यहाँ पे ये पूरे ना ये जो अंदर एक वो नहीं है घाटी, ये जो है ना सारे के सारे मतलब पहाड़ी वाला रास्ते के अंदर वाले जो रास्ते हैं वो है। एंड ये देखो यहाँ पे मंदिर है, मंदिर को क्रॉस कर दी, सब जगह आपको एरो मिलेंगे। एंड मंदिर से थोड़ा आगे जाने के बाद ना बेकार सा रास्ता पड़ता है ये। एंड अब हम लोग आ गए हैं बंजारा मार्केट और यहाँ बहुत सारी शॉप लग चुके हैं, बहुत ही बड़ा मार्केट बन चुका है। अभी फिलहाल मैं थोड़े ही काम के लिए आई हूँ, बट फिर मैं कभी आऊँगी तो आप अच्छे से शूट लेकिन करूँगी। गाइस बंजार मार्केट चेंज हो गया, लोकेशन चेंज कर दी इन्होंने। यहाँ से मुझे कुछ ही सामान लेना, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, मुझे जैसे ही वो सामान मिलेगा वैसे ही मैं वापस चल जाऊँगी। यहाँ पे मैं आई हूँ कारपेट लेने के लिए, कारपेट काफ़ी सुंदर ग्रे वाली बहुत सुंदर लग रही थी। एंड मैंने जो है मैंने यहाँ से बुक किया मतलब परचेज़ कर ली थी। बुक आप चाहें तो बुक भी कर सकते हैं, आपके घर तक भी होम डिलीवरी करवा देते हैं, ट्रांसपोर्ट का जो भी अमाउंट आएगा वो ले लेते हैं आपसे। एंड कारपेट नो डाउट बहुत सुंदर थी, बट इस बार मैंने सोचा इस बार मुझे लाइट कलर नहीं लेनी है, क्योंकि दिव्यू क्या करता है, दिव्यू ना टॉयलेट वगैरह पॉटी वगैरह कर देता तो उसके ना गंदगी नहीं जाती, फिर कितनी भी कोशिश कर लो बच्चे के साथ ना ऐसे ही होता है, कभी कुछ बिखेर रहा है कभी कुछ बिखेर रहा है, वो उसके साथ ये बहुत ज़्यादा रहता है। बट ये B25 नंबर की शॉप नंबर है, इनके पास कारपेट नो डाउट बहुत सुंदर सुंदर कारपेट थी इनके पास। इस बार बंजारा में ना एक अलग ही डिज़ाइन की कारपेट्स थी। वैसे मैं काफ़ी टाइम बाद गई, अराउंड 1 ईयर के बाद मैं बंजारा गई थी, एंड इनके पास ना आपको रग वगैरह मिल जाएंगे एंड सोफ़ा थ्रो वगैरह भी मिल जाएंगे। मैंने यहाँ से सोफ़ा थ्रो वगैरह भी लिए, मैं आपको हॉल में दिखाऊंगी मैंने क्या क्या लिया हुआ है।
एंड इनके पास रेट भी ना अच्छे थे, बहुत ज़्यादा हाई रेट भी नहीं थे। एंड इसके बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी, ये C20 है, इन आंटी के पास ना क्रॉकरी ज़्यादा नहीं थी, बट जो भी थी वो बहुत ही अच्छे रेट में दे रही। मतलब मैंने काफ़ी सारी शॉप पर ट्राई किए थे बट वो रेट बिल्कुल भी नहीं कम कर रहे थे, बट इन आंटी ने बहुत ही अच्छे रेट में मुझे क्रॉकरी दे दी थी एंड एकदम ही ना रेट भी कम कर लिया था। इनका बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो इस टाइप से ना शॉपिंग करने में मज़ा आता है कि हाँ रेट वगैरह भी कम कर देगा बंदा। एंड यहाँ पर मुझे और भी पीसेस दिखाते कि देखो ये भी आप ले सकते हो। नहीं, इन वाली आंटी की शॉप से मैंने सामान लिया ना, ये बहुत अच्छा रेट दे रही है, आपको इन पे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एंड इसके बाद फिर मैं और कारपेट देख रही थी, तो आगे और भी शॉप वगैरह एक्सप्लोर की मैंने। एंड ये है B5, इनके पास भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था कारपेट वगैरह में। इनके पास ना सोफ़ा थ्रो बहुत सुंदर थे, तो अगर आप सोफ़ा थ्रो देख रहे हो तो इनकी शॉप पे ट्राई कर सकते हैं। इन आंटी का भी ना नेचर वगैरह भी अच्छा, और ये भी रेट सही दे रही थी। देखो आपको ना वहाँ पर बार्गेनिंग करनी होती है, आपको जो ये रेट बता रहे हो उसका बिल्कुल हाफ रेट बोल दो, तो ये हाफ से थोड़ा सा ऊपर आके रेट पे क्लोज हो जाता है। नहीं तो अगर आप हाफ, मतलब मान लीजिए किसी चीज़ का 12,000 बताओ और आप 10 बोलोगे तो बहुत महंगे पड़ोगे, बट आप हाफ बताओगे तो थोड़ा सही रेट लग जाता है। एंड यहाँ पे ना होम सेंटर की कॉपी थी, होम सेंटर जैसे प्रोडक्ट वहाँ पे नहीं मिलते गाइस, कॉपी मिलते हैं, फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि हमारे घर में जो है ना सारा जितना भी डेकोर आइटम वो होम सेंटर से बहुत A1 की क्वालिटी मिलती है, जो यूज़ करते उनको पता है बन जा रहा है, सिर्फ कॉपी मिलती है। एंड यहाँ पे ना और भी काफ़ी अच्छी चीज़ें, देखो बहुत अच्छी चीज़ें थी। एंड मैंने यहाँ से वो भी लिया था, कुछ फ्लावर वगैरह भी मैं देख रही थी, बट महंगे बहुत थे यार गाइस, बिल्कुल भी कम नहीं रेट। उठवा 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 उठवा, जल्दी जल्दी उठवा, बस 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 बस, कह रहा है कि कुछ तो लेने जा रहा है, ये पता नहीं क्या लेने जा रहा है बेटा। सो हम लोग ले आए कारपेट, मैं आपको दिखाऊंगी कौन सी कारपेट लेकर आए हैं, एक नहीं दो लेकर आए हैं हम लोग। बहुत ट्रैफिक था, 8:30 पे हम लोग, और 5:30 बजे के निकले हुए हैं। बिछाना है इसको, खिसकानी पड़ेगी, देखियो चोट लग जाएगी एक साइड।
दीदी के है तो नहीं थी, मैं दीदी उसमें रखवाऊंगा। दीदी इतनी भारी कारपेट है ना, किसी को यही बुलाना, फोल्ड करवाना और रखवाना, ले जाना घर से ही उठवानी पड़ेगी आपको, ये बहुत भारी कारपेट है। ये हल्की है उससे, ये हल्की उससे, हाँ ये हल्की है उससे, ये मुझे ज्यादा भारी लगी है। नहीं इससे हल्की है ये। बेटा ये आप ही की करतूते हैं, तो ये चेंज होनी पड़ रही। और ये ना हर कलर के साथ भी चली जाएगी, ऑरेंज के साथ जा रही है बहुत अच्छे से। क्या है क्या है क्या है इसे? बस बेटू हो गई मस्ती। ये वाली जो कारपेट है ना, ये इसके साथ इतने अच्छे से जा नहीं रही है, तो ये वाली फिर हम लोग ना बाद में इसको चेंज कर लेंगे। अब तो चेंज कर लिया। एंड एक मैं ये वाला छोटा वाला पायदान लेके आई हूँ, डोरमेट और भी लेकर आई हूँ, वो आपको हॉल करूँगी इसका, तब दिखाऊँगी। तो ये इतने अच्छे से जा नहीं रहे हैं क्योंकि इसका डिज़ाइन देखो और इसका डिज़ाइन देखो, बहुत फ़र्क है। बट ठीक है, मैंने तब इसलिए नहीं लिया था क्योंकि मुझे ये था कि यार मैंने ये परचेज़ कर लिया है, फिर ये भी कर लिया, तो फिर और ये क्या करूँ। लेकिन अब मैं सोचूँ कि जब कभी बाद में जाऊँगी तो इसको मैं बेडरूम में डाल दूँगी और इसको इसके जैसे एक सेम ला के यहाँ पर डाल दूँगी, क्योंकि थोड़ी सी ना बड़ी हो रही है। ऑफकोर्स ये इतना पार्ट एक्स्ट्रा हो रहा है, बट ठीक है जब तक है तब तक चला रहे हैं, क्योंकि दिव्य वैसे भी गंदी कर देता है जल्दी। एंड मुझे ना बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, आज पूरी रात हो गई ऐसे ही, क्योंकि कल क्या हुआ था, एक तो हम लोग मार्केट वगैरह गए थे, तो आने के बाद बहुत ज़्यादा हेडेक हो गई थी, तो फिर मैं सो गई थी एंड काफ़ी घंटे सो गई थी, तो मुझे नींद ही नहीं आ रही पूरी रात ऐसे उठ गया। एंड अगर मैं टाइम दिखाऊंगी ना, इसमें तो ऐसे उल्टा दिख रहा है, बट 5:20 हो चुके हैं मॉर्निंग के, अभी भी नींद नहीं आ रही। बट मैं सोची कॉफ़ी बना लेती हूँ एंड कॉफ़ी बना के शायद पीकर मुझे नींद आ जाए। तो अब मैं मिलती हूँ आपको कल के ब्लॉग में।